ये लॉ कहता है कि आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नेगेटिव भावना खत्म हो जाती है। या आपने हवा में महल बना लिया है, अच्छी बात है, उसे वहीं होना चाहिए। अब मेहनत करके उसके नीचे नींव बना दें। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स पर आधारित है। अगर आप अपने लिए बड़ा गोल बनाना चाहते हैं और उन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं और वहीं दूसरे लोग बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के सपने देखते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने इस बुक में कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिनकी मदद से आप अपने सभी सपने साकार कर सकते हैं। ब्रायन गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक सरल, शक्तिशाली और प्रभावी टेक्निक बताते हैं, जिसका उपयोग करके लाखों लोगों ने अपने जीवन में असाधारण चीजें हासिल की हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पर कुछ ही वीडियोस पर कंप्लीट बुक समरीज की बजाय सभी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर समरीज के मिलेंगे, ताकि इन बुक्स में बताई गई कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो पाए। इसी कारण से कुछ वीडियोस दो या तीन पार्ट्स में या थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के अंत में मैं बताई गई सारी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, अपनी संभावना का ताला खोलें। सफलता का एक नियम यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं। और आप कहां जा रहे हैं ये सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। एक क्लियर गोल होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी क्षमता का विकास होता है। गोल्स आपके पॉजिटिव माइंड का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचने वाले मददगार विचारों तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों, मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और सफलता का महान सार ये है कि आप जिसके बारे में ज्यादातर वक्त सोचते हैं वही बन जाते हैं। 1979 से 1989 के बीच हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक रिसर्च किया गया। 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया कि क्या आपने अपने भविष्य के लिए क्लियर लिखित गोल तय किया है और क्या उन्हें हासिल करने की योजना बनाई है। पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास ही लिखित लक्ष्य और योजनाएं थीं। 13% के पास लक्ष्य तो थे लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य लिखे नहीं थे। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं थे। 10 साल बाद 1989 में रिसर्चर्स ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास लिखे हुए गोल्स नहीं थे, वे गोल्स ना बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि जिन 3% ग्रेजुएट्स के पास क्लियर और रिटर्न गोल्स थे, वे बाकी सभी 97% से औसत 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता अंतर बस स्पष्ट लक्ष्यों का था। चैप्टर 2, अपनी जिंदगी की बागडोर थामें। सभी नेगेटिव इमोशंस सफलता और खुशी के सबसे बड़े शत्रु हैं। नेगेटिव इमोशंस आपको नीचे रोके रखते हैं, आपको थका डालते हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर देते हैं। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नेगेटिव भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नेगेटिव भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप ये काम कर सकते हैं, बस आपको इसका तरीका सीखना है। सभी तरह की नेगेटिव भावनाओं का इलाज ये है कि आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं जिम्मेदार हूँ कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नेगेटिव भावना खत्म हो जाती है। जिम्मेदारी और खुशी के बीच सीधा संबंध होता है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं उतने ही ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको गोल्स पर बना ये वीडियो पसंद आ रहा है
और आप भी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आप कुकु FM ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर द पावर ऑफ फोकस और ऐसी ही ढेर सारी बुक समरी सुन सकते हैं। कुकु FM का सबसे बड़ा फायदा ये है कि नॉलेज को लेते वक्त आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, आप चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB20 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 319 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी हजारों बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ। तो कुकु FM को अभी डाउनलोड करिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाइए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकु FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 3, अपने भविष्य का निर्माण करें। लीडर्स पर वर्षों तक हुए 3300 से ज्यादा रिसर्च में पाया गया कि महान लीडर्स में एक ऐसा खास गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। ये गुण है भविष्य की दृष्टि होना, यानी कि विजन होना। आप पहले से ही जान चुके हैं कि मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज ये है कि आप वो बन सकते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते हैं। अब सवाल ये है कि लीडर्स ज्यादातर किस चीज के बारे में सोचते हैं? इसका जवाब है, लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। इस बारे में सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के लिए क्या कर सकते हैं। हॉवर्ड के एक डॉक्टर एडवर्ड बेनीफील्ड ने 50 साल से ज्यादा समय तक रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट दिया कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन, जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। जरा सोचें, आप भविष्य के बारे में जितना आगे तक सोचकर निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय उतने ही बेहतर होते हैं और आपके सपनों के साकार होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। चैप्टर 4, अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। जीवन के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफल होने वाले लोगों और लीडर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण ये है कि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वो कौन है, वो किस में यकीन करते हैं और किन सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़े हैं। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों, जीवन मूल्यों और आदर्शों को लेकर दुविधा में होते हैं। इसी वजह से वे आगे पीछे होते रहते हैं और अपने जीवन में बहुत कम हासिल कर पाते हैं। आपकी लाइफ की वैल्यूज ही आपको वो बनाते हैं जो आप हैं। लेकिन आखिर ये कैसे पता करें कि आपकी लाइफ वैल्यूज एक्चुअली में हैं क्या? जवाब सरल है, आपके सच्चे जीवन मूल्य हमेशा आपके कामों में झलकते हैं, खास तौर पर दबाव में किए गए कामों में। सच्चे जीवन मूल्यों को तय करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ अच्छे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपने पास्ट पर नजर डाल सकते हैं। आपने पास्ट में दबाव की स्थिति में कैसे बिहेव किया? किस चीज से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है? कौन सी चीज आपके आत्मसम्मान और गर्व को बढ़ाती है? इन सवालों के जवाब से आपको अपने सच्चे लाइफ वैल्यूज के बारे में पता चल जाएगा। चैप्टर 5, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। आप कौन हैं? आपकी इच्छाएं क्या हैं? आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? उसके बारे में आपकी क्लैरिटी और उनके साकार होने के बीच में सीधा संबंध होता है। अधिकांश लोग बिना सोचे समझे बस जिंदगी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग हैरान होते हैं कि वे कभी कुछ क्यों नहीं कर पाए या जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाए। अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थोरो ने एक बार लिखा था, क्या आपने हवा में महल बना लिया है? अच्छी बात है, उसे वहीं होना चाहिए। अब मेहनत करके उसके नीचे नींव बना दें। गोल सेट करने में एक बहुत अहम सवाल ये है कि आप जीवन में सचमुच करना क्या चाहते हैं। अगर आप जीवन में सिर्फ एक चीज कर सकें, बन सकें या पा सकें तो वो क्या होगी? याद रखें, आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते हो। जब आपकी मनचाही चीजें एकदम क्लियर होती हैं, फिर आप ज्यादातर समय अपने गोल्स के बारे में सोच सकते हैं और आप उनके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं वो वैसा ही आकार लेकर आपकी जिंदगी में उतनी ही तेजी से आती हैं। चैप्टर 6, अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। क्योंकि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं, इसलिए प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपको हर पल एकाग्र बनाए रखता है। आप अपने प्राइमरी गोल और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, आपके जीवन में आकर्षण के नियम को उतना ही ज्यादा सक्रिय कर देते हैं। आप लोगों, अवसरों और विचारों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उनकी बदौलत आप अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ने लगते हैं और आपका गोल ज्यादा तेज गति से आपकी ओर बढ़ने लगता है। अगर आपको किसी एक गोल को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा,
आपातकालीन हो या दीर्घकाल, यानी कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, सफलतापूर्वक हासिल करने की पूरी गारंटी दे दी जाए तो ये लक्ष्य कौन सा होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं तो शायद आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। चैप्टर 7, अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। विश्वास का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण मेंटल लॉ है। ये लॉ कहता है कि आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। बाइबल में कहा गया है कि इंसान जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। इसका मतलब ये है कि आप बाहर हमेशा वही काम करते हैं जो अपने बारे में आपके सबसे भीतरी विश्वासों पर आधारित होते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको ये विश्वास बदलना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या संभव है। क्या आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, आप ऐसा जरूर चाहेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या आप इसे संभव मानते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। चैप्टर 8, शुरुआत से शुरुआत करें। एक बार जब आप अपने उद्देश्य और लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपका अगला कदम होता है अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करना। उदाहरण के लिए, अगर आपने वजन कम करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम अपना वजन तोलना होगा। उसके बाद आप उस वजन को इस बात का पैमाना बना लेंगे कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में तरक्की कर रहे हैं या नहीं। किसी महान लक्ष्य को पाने की यात्रा शुरू करते वक्त आपको कल्पना करनी चाहिए कि आप कभी भी अपना कैरियर दोबारा शुरू कर सकते हैं। कभी भी पास्ट के किसी खास डिसीजन द्वारा खुद को ताले में बंद या जाल में फंसे ना रहने दें। आज बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन, बिजनेस और वर्षों के अनुभव वाले क्षेत्रों को छोड़कर बिल्कुल ही नई और अलग चीजें शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 9, अपनी प्रगति मापें। आप में अविश्वसनीय मानसिक शक्तियां हैं। अपने जीवन में सुनियोजित लक्ष्य तय करके और उन्हें हासिल करने की योजना बनाकर आप जल्दी सफल हो सकते हैं और वर्षों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। अपने लक्ष्य बनाते समय और उनकी ओर बढ़ते समय ये जरूरी है कि आप ऐसा पैमाना बना लें जिसके जरिए आप हर दिन, हर घंटे अपनी प्रोग्रेस को माप सकें। ये पैमाने जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, गोल हासिल करने की उतनी ज्यादा संभावना होगी। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों में थोड़े बेहतर बनने के तरीकों की तलाश करें। हर दिन एक घंटे अपने क्षेत्र से संबंधित किताबें पढ़ें, ऑफिस जाते समय ऑडियो टेप सुने, यदि संभव हो तो अतिरिक्त कोर्स कर लें। अगर आप हर दिन आत्म सुधार में 1-2 घंटे निवेश करते हैं तो परिणाम पाने की आपकी योग्यता पर इसका असाधारण असर पड़ सकता है। चैप्टर 10, राह की बाधाओं को हटा दें। सक्सेसफुल लोग अनसक्सेसफुल लोगों से कई ज्यादा बार असफल होते हैं। सफल लोग ज्यादा चीजें आजमाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं, जब तक कि वो आखिरकार सफल नहीं हो जाते। दूसरी ओर असफल लोग अगर अजमाते भी हैं तो बहुत कम चीजें अजमाते हैं और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ये तय माने कि लक्ष्य हासिल करने से पहले आप कई बार असफल होंगे। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, असफलता ज्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का अवसर है। लक्ष्य तय करने के बाद खुद से पूछें, मैं इस वक्त वहां क्यों नहीं हूं? कौन सी चीजें मुझे पीछे रोक रही हैं? मैंने अब तक वो गोल हासिल क्यों नहीं किया है? अपने और अपने गोल के बीच खड़ी तमाम बाधाओं को पहचान लें। हर उस चीज को लिख लें जो आपके ख्याल से आपका रास्ता रोक रही है या आपको धीमा कर रही है और आगे बढ़ने की राह में बाधा डाल रही है। चैप्टर 11, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। सबसे सफल लोगों का एक गुण ये होता है कि उन्होंने अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने कोई भी त्याग करने और कितना भी समय लगाने का फैसला कर लिया ताकि वो अपनी फील्ड में सबसे अच्छे बन जाएं। जर्मन फिलोसोफर जोहान वोल्फगैंग ने कहा था, ज्यादा पाने के लिए आपको सबसे पहले ज्यादा बनना होगा। जब आप अपनी फील्ड के सबसे टॉप के लोगों में से एक बनने का फैसला कर लेते हैं तो इसके बाद आप ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे हासिल करूं? हर फील्ड में लाखों लोग जीरो से टॉप पर पहुंचते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप भी ये काम कर सकते हैं। लाइफ में अधिकांश क्षेत्रों में महान सफलता पाने के लिए योग्यता और गुण के बजाय कड़ी मेहनत और समर्पण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चैप्टर 12, सही लोगों से जुड़ें। लाइफ और बिजनेस में रिलेशंस ही सब कुछ हैं। आप जो भी हासिल करते हैं या हासिल नहीं कर पाते वो किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों से जुड़ी हुई है। आप जितने ज्यादा लोगों को जानते हैं और जितने ज्यादा लोगों के मन में आपकी पॉजिटिव छवि है,
आप अपने हर काम में उतने ही ज्यादा सफल होंगे। सही समय पर सही जगह पर एक व्यक्ति अपने लिए ऐसा दरवाजा खोल सकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और वर्षों की कड़ी मेहनत बचा सकता है। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनकी आप प्रशंसा या सम्मान करते हैं, आप भविष्य में जिन लोगों जैसा बनना चाहते हैं उनके साथ जुड़ने का लक्ष्य बनाएं। सकारात्मक लक्ष्य केंद्रित समूह का चुनाव आपके कैरियर को तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर सकता है जितना कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। चैप्टर 13 कार्य योजनाएं बनाएं। लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने की योजना बनाने की आपकी योग्यता सफलता की प्रमुख योग्यता है। कुछ समय पहले इंक मैगजीन ने 50 शुरुआती कंपनियों का अध्ययन किया। इनमें से आधी कंपनियों ने काम शुरू करने से पहले महीने का समय लगाकर बिजनेस की योजना बनाई थी। बाकी आधी कंपनियां बिना डिटेल्ड योजनाओं के काम करने लगी थीं। 2-3 साल बाद रिसर्चर्स इन कंपनियों की सफलता और प्रॉफिट के स्तर का पता लगाने के लिए दोबारा वहां गए। उन्हें वहां काफी दिलचस्प जानकारी मिली। जिन कंपनियों ने क्लियर रिटर्न प्लान बनाकर काम शुरू किया था, वे कंपनियां उन कंपनियों की तुलना में बहुत सफल और लाभदायक स्थिति में थी जिन्होंने बिना किसी योजना के काम शुरू किया था। चैप्टर 14 अपने समय का सही प्रबंधन करें। अपने सभी गोल्स हासिल करने के लिए, अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचने के लिए आपको अपने समय पर नियंत्रण रखना होगा। अच्छी खबर यह है कि समय प्रबंधन एक योग्यता है और किसी भी अन्य योग्यता की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। अतीत में आप कितने भी अव्यवस्थित रहे हों या आप में टालमटोल करने की आदत हो, आप इसे बदल सकते हैं। हर दिन अभ्यास के साथ आप टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में बेटर हो सकते हैं। दिन शुरू करने के पहले अपने कामों की एक लिस्ट बना लें। उस लिस्ट को प्राथमिकताओं के क्रम में बनाएं। 80-20 के नियम का इस्तेमाल करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को चुनें और फिर फौरन उसे करने लगें। खुद को पूरी एकाग्रता से उस एक काम पर अनुशासित करें जब तक कि वो 100% पूरी ना हो जाए। दोस्तों, हमने अपने चैनल ब्रेन बुक पर 80-20 प्रिंसिपल पर एक बुक समरी बनाई है। अगर आपने वो बुक समरी अभी तक नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस समरी को देख सकते हैं। चैप्टर 15 हर दिन अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। ऐसी कई टेक्निक्स हैं जो पर्सनल और फाइनेंशियल गोल्स को ज्यादा तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। इस चैप्टर में एक खास तकनीक के बारे में बताया गया है जिसने किसी भी अन्य विधि के मुकाबले ज्यादा लोगों को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। ये सरल, तेज और असरदार है। एक स्पाइरल नोटबुक लें जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हो। हर दिन अपनी नोटबुक खोलें और अपने 10 से 15 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची बना लें। ऐसा करते समय गोल्स की पुरानी लिस्ट को ना देखें। ये काम हर दिन करें। आपके गोल्स पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट में होने चाहिए और पर्सनल भी होने चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। राइटर कहते हैं कि उनके 20 साल के करियर में उन्हें आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने उन्हें ये बताया हो कि ये तरीका कारगर नहीं है। इस टेक्निक से लोगों के जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं और उन्हें इसके अद्भुत परिणाम भी मिले हैं। चैप्टर 16 अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखें। आपके माइंड में असीमित शक्तियां हैं। कई बार लोग इन शक्तियों के बारे में जागरूक नहीं होते और लक्ष्य हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ औसत परिणाम मिलते हैं। मानसिक तस्वीर देखने की आपकी योग्यता शायद आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। आपके जीवन के सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों से शुरू होते हैं। आप आज जहां हैं और जो हैं काफी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण हैं जो इस वक्त आपके मन में हैं। मेंटल इमेजेस देखने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सक्रिय हो जाता है। ये आपको जीवन में उन लोगों, परिस्थितियों और संसाधनों को आकर्षित करता है जिनकी जरूरत आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए होती है। आप हर घंटे, हर मिनट जो मेंटल पिक्चर्स देखते हैं उनसे आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र को आकार देते हैं। अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलकर आप अपने सोचने, महसूस करने और अपने काम करने के तरीके को बदल देते हैं। चैप्टर 17 अपने अवचेतन मन को सक्रिय करें। अवचेतन मन संबंधी ज्ञान हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख भी पूरे इतिहास में मिलता है। महान वैज्ञानिक सफलताएं प्राइमरीली सबकॉन्शियस माइंड से ही संबंधित थी, जैसे डीएनए की खोज या बल्ब का आविष्कार। महान संगीतकारों ने अपनी संगीत रचना में बार बार अपने अवचेतन मन का उपयोग किया। फेमस म्यूजिक कंपोजर मोजार्ट लिखना शुरू करने से पहले ही अपने माइंड में पूरा ओपरा देख सकते थे और फिर वे अपनी मानसिक तस्वीर से
ओपेरा को कागज पर उतार देते थे जिसमें एक भी गलती नहीं होती थी। बीथोवन ने अपनी महानतम संगीत रचनाएं बहरा होने के बाद की। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग इतने लाचार थे कि उन्हें एक अक्षर लिखने के लिए भी एक खास कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। इसके बावजूद उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी बुक लिखी। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर, रिटन और डेफिनेट गोल्स से प्रेरित होता है। जब भी आप रिलैक्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर रिजल्ट की मेंटल इमेजेस देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रेरित हो जाता है। तब ये आपको उस गोल को हासिल करने के लिए विचार और ऊर्जा भी देता है। चैप्टर 18, हर समय लचीले रहें। आज शायद आपके जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है परिवर्तन की गति। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां परिवर्तन इतिहास में सबसे तीव्र गति से हो रहे हैं और इनकी गति हर साल बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर आप आम आदमी से ज्यादा बनना, करना और पाना चाहते हैं, तो आपके लिए लचीलेपन का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लचीलेपन का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया गया है, अपने गोल्स को लेकर क्लियर रहें, लेकिन उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर लचीले बने। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव के प्रति खुले रहें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। याद रखें, किसी भी काम को करने या किसी लक्ष्य को हासिल करने का लगभग हमेशा कोई ना कोई बेहतर तरीका होता है। लाइफ में चेंज को पहचानने और अपनाने में सबसे आगे रहने का संकल्प करें। चैप्टर 19, अपनी जन्मजात रचनात्मकता का ताला खोलें। क्रिएटिविटी एक जन्मजात योग्यता है जो लगभग हर आदमी में ढेर सारी होती है। ये जन्मजात है जो अनूठे रूप से हर इंसान में होती है। हर व्यक्ति रचनात्मक है, लेकिन आपकी रचनात्मकता मांसपेशी की तरह होती है। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते तो आप इसे गंवा देते हैं। मसल्स की तरह अगर आप अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग नहीं करते और इसका नियमित व्यायाम नहीं करते तो ये कमजोर हो जाती है। विचार पैदा करने की आपकी योग्यता का लगातार उपयोग होना चाहिए, तभी आप अपनी क्रिएटिविटी को बेहतरीन स्थिति में रख पाएंगे। आपके विचार आपके जीवन में नए दौलत के प्रमुख स्रोत हैं। विचारों में हर समस्या को सुलझाने की कुंजी होती है। वो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे आप सुलझा न सकें। ऐसा कोई गोल नहीं है जिसे आप हासिल न कर सकें। चैप्टर 20, हर दिन कुछ करें। वर्षों तक ये पता लगाने के लिए कई रिसर्च किए गए कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं। सैकड़ों हजारों सेल्स पर्सन, स्टाफ और मैनेजरों से बात की गई ताकि सफलता के आम गुणों को पहचाना जा सके। सफलता का एक बहुत इम्पोर्टेंट तत्व बार बार मिलता है, वो है रिजल्ट ओरिएंटेड होने का गुण। सफल लोग बेहद रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। वे असफल लोगों से ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ते हैं। वे ज्यादा व्यस्त होते हैं, वे ज्यादा कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग आखिरी समय पर काम शुरू करते हैं और मौका मिलते ही फौरन काम करना छोड़ देते हैं। वो कॉफी ब्रेक, लंच ब्रेक, मेडिकल लीव और छुट्टियों के हर एक मिनट का पूरा ख्याल रखते हैं। समय तो हर हाल में गुजरने वाला है। आपकी जिंदगी के सप्ताह, महीने और वर्ष हर हाल में गुजरने वाले हैं। यहाँ एकमात्र सवाल ये है कि आप इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। चैप्टर 21, सफल होने तक जुटे रहें। आपके जीवन में हर महान सफलता लगन का परिणाम है। तमाम बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद आप तब तक जुटे रहें जब तक आप अपने गोल्स को हासिल न कर लें। यही आपकी सफलता तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और लगन का दूसरा पहलू है साहस। शायद आप जीवन में जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगे वो डर पर विजय पाना और साहस की आदत विकसित करना है। डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, हमें सिर्फ एक ही चीज से डरना चाहिए और वो है स्वयं का डर, तो वो कह रहे थे कि जिस चीज से हम डर रहे हैं उस डर की भावना के कारण तनाव, दबाव और दुख पैदा होता है। जब आप साहस और अधिक आत्मविश्वास की आदत विकसित कर लेते हैं तो आपके लिए संभावनाओं का एक बिल्कुल नया संसार खुल जाता है। दोस्तों, हमने अपने चैनल ब्रेन बुक पर डर भगाकर सफलता प्राप्त करने पर एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। आप आज जो भी हैं, हर चीज के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो आप सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं। ये तय करें कि आप अपने जीवन के हर फील्ड में सचमुच क्या हासिल करना चाहते हैं।
आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या काम करते हैं और सामाजिक संपर्क रखते हैं, इसका चुनाव आपकी सफलता पर जितना ज्यादा असर डालता है उतना कोई दूसरी चीज नहीं डालती। अच्छी तरह सोच विचार कर बनाई गई योजना होने पर साधारण व्यक्ति भी बिना योजना वाले जीनियस से आगे निकल सकता है। आपकी क्लियर मेंटल इमेजेस आपकी मानसिक शक्तियों को प्रेरित कर देती हैं और आपके लक्ष्य को आपके जीवन में साकार कर देती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ गोल्स पर बना हुआ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।